भाई रोल हो गया आप लोग का रोल रोल देखिए सर फाइनली वो दिन अब आ ही गया कल जिसका इंतजार था तो समय से आपके सारे स्टार कास्ट था तो क्या कुछ कहेंगे इस फिल्म के लिए ले गया सुनता हूँ मैं दर्शकों से गुजारिश करूँगा कि इस फिल्म को देखें एंजॉय करें एक सोशल इशू पे बेस्ड है फिल्म और फुल्ली कमर्शियल है फुल्ली रोमांटिक एक कॉमेडी है आप इसे देखने के लिए आ जाए थिएटर तक और फिल्म को देखें वर्ल्ड सिनेमा में पहली बार है पूरी दुनिया में पहली बार इस सब्जेक्ट पर फिल्म बनी है मुस्लिम दो कंट्री फिल्म बनाती है टर्किश और ईरान वहाँ भी नहीं बनी है इस सब्जेक्ट पर फिल्म ये 1500 साल पुराना एक रूल है एक प्रथा है जिसे हम शरीयत कहते हैं मुसलमान लॉ में तो ये हमारे प्रॉफिट के टाइम से शुरू हुआ है एक आदमी अगर अपनी औरत को तलाक दे दे और फिर दोबारा अगर उसी औरत से निकाह करना चाहे तो उस औरत को एक रात के लिए एटलीस्ट किसी के साथ निकाह करके रुकना होगा और फिर वो आदमी उसे दूसरा दिन तलाक देगा तो फिर अपने एक्स वाइफ हस्बैंड के पास लौट आएगी उसी पे सब्जेक्ट है वही बेस्ड है एक औरत पे क्या बीतता होगा उस रात को जब वो किसी के हवाले एक रात के लिए होती है वो दूसरा दिन उसे छोड़ता है कि नहीं छोड़ता है उसी के ऊपर बेस्ड करके फिल्म है लेकिन बहुत ज़्यादा डार्क एक सिचुएशन है डार्क एक सब्जेक्ट है उसको हमने एकदम कॉमेडी वे में करके फिल्माया है और बहुत अच्छा लगा है बनाने के दौरान भी सारे मेरे एक्टर जो हैं रघुवीर जी नेचुरलिस्टिक एक्टिंग की है फिल्म में सूफी ने अच्छा काम किया है चिराग ने बहुत अच्छा काम किया है तो 7 गाने हैं फुल्ली कमर्शियल फिल्म है लोकेशन भी बिल्कुल एकदम अलग सा लोकेशन है मुर्शिदाबाद एक जगह है बंगाल का जहाँ पर एक टाइम वो कैपिटल हुआ करता था सिराजुद्दौला का गढ़ पलासी का युद्ध हुआ था 1757 में तो उसी जगह पे हमने शूट किया है एकदम नेचुरलिस्टिक वे में रह के फिल्म बनाने की कोशिश की है और एक अलग तरीके से पब्लिसिटी स्ट्रेटेजी बनाया है अब उम्मीद है दर्शकों को अच्छा लगा होगा पब्लिसिटी का स्टाइल जी एकदम ऐसे ही है दादा पोती से निकाह करता है मतलब पोते की बीवी से दादा की निकाह हो जाती है और दादा पोते की बीवी से प्यार कर बैठते हैं सेंसर में काफ़ी लंबा जद्दोजहद रहा है मेरा रिवाइजिंग बोर्ड ने फिर से देखा रिवाइजिंग कमेटी देखने के बाद लगभग महीनों भर हम सेंसर में लटके रहे और बहुत सारा वो करने के बाद फिर उन लोगों ने परमिशन दे दिया और हमारी फिल्म यूए है पूरी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं बहुत बढ़िया फिल्म है और एक मैं समझता हूँ मैं बहुत लकी हूँ कि अमजद सर और रघुवीर सर और सुफी ऐसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला है बहुत सीखने को मिला है अमजद सर से रघुवीर सर से और बहुत मज़ा आया है करने में बहुत प्यारी फिल्म है जैसा कि अमजद सर ने कहा एक रोमांटिक कॉमेडी है डार्क सब्जेक्ट को लेके तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये फिल्म जाके देखे और उनको बहुत मज़ा आएगा मेरा कैरेक्टर का नाम है मुन्नी जिसके पीछे पूरा गांव जिसका दीवाना है और रघुवीर सर के साथ चिराग के साथ और अमजद सर ऑब्वियसली इज़ वेरी मल्टी टैलेंटेड सबके साथ काम करके बहुत मज़ा आया मेरी तो पहली फिल्म है लेकिन मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि मेरी पहली फिल्म है सब लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया रिजल्ट आपके सामने है कल प्लीज़ प्लीज़ जाइए और देख कर आइए थिएटर से अभी फ़िलहाल तो सिर्फ ले गया सद्दा ये एक बार रिलीज हो जाए हिट हो जाए तो फिर उसके बाद में सोचेंगे जी हाँ प्लीज़ प्लीज़ ले गया सद्दा देखिए पहले फिर हम लोग आपको बताएंगे और आगे क्या है There is a lot of competition, but I hope everybody does well because like us, there are a lot of people who are newcomers, so I wish them all the best and I hope that all of us should do well together. जी ले गया सद्दाम जाना चाहेंगे सद्दाम ले क्या जाता है मुन्नी को ले जाता है
तजुर्बे दे जाता है, मुन्नी को ले जाता है। आप इस कैमरे तीन कैमरे में काम करते हैं। अच्छा जी हाँ, बस ले जाता है, मुन्नी को ले जाता है, फिर दे भी जाता है। किस तरह का कैरेक्टर है आपका? बड़ा अच्छा कैरेक्टर है, मैंने पहली दफ़ा इस तरह का कैरेक्टर किया और मुझे बहुत मज़ा आया। टीम बड़ी अच्छी थी और सब लोगों के साथ, और मेरे लिए भी पहली फिल्म ही थी, क्योंकि आप लोगों ने आपने औरों से पूछ लिया कि आपकी पहली फिल्म है, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हमारी पहली, मेरी भी पहली ही है, क्योंकि इस तरह का सब्जेक्ट मैंने पहले कभी किया नहीं, और एक बड़ी नई बात मुझे इस फिल्म से मालूम हुई और पूरी फिल्म करते हुए बड़ा इन्जॉय किया हमने, बहुत मज़ा आया। एक्चुअली सीरियस चीज़ को अगर सीरियस तरीके से दिखाया जाए तो उतना असर नहीं पड़ता, इसलिए बड़े लाइट वे में बहुत मजाहिया तरीके से इसको कह दिया गया, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा असर पड़ेगी इस बात का। दर्शकों को तो यही कहना, वो दर्शक है तो आइए दर्शन करिए हमारी फिल्म के, मज़ा आएगा आपको, जैसा हमने इंजॉय किया है आप भी इंजॉय करिए। थैंक यू सर। सर निकाल जो फ्री।